हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, दोस्तों को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा जय हिंद। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए वीडियो का आज वीडियो सेशन शुरू करते हैं। उसमें अपने बात करेंगे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की, कि मेमोरी क्या होती है, किस तरह से होती है, कौन कौन सी होती है, किस तरह से यूज़ की जाती है और कितने टाइप की मेमोरी होती है। उसमें शॉर्ट वीडियो में अपने बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर के मेमोरी का वह भाग होता है जहाँ पे डेटा को क्या किया जाता है, कंप्यूटर का वह भाग जहाँ पर डेटा को क्या करें, स्थाई और अस्थाई रूप में स्टोरेज करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप कि आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ आ रही होगी, क्योंकि थोड़े समय वो कर्सर में लिखने की हैबिट है मेरी। इसलिए अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको अच्छी उससे थोड़ी सी डिफरेंस बता सकूँ, अच्छी हैंड राइटिंग में समझा सकूँ आपको। क्लियर है? ये कंप्यूटर की अगर मेमोरी की परिभाषा की बात करें तो क्या है, कंप्यूटर का वह भाग है, इन कंप्यूटर का एक ऐसा भाग होता है जहाँ पे क्या किया जाता है, सभी जो डेटा अपने टाइप करते हैं या प्रिंट करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं या कोई फॉर्म वगैरह भराते हैं, तो उसका जो भी डेटा होता है, जो सेव होता है, ऑनलाइन सेव होता है या जैसे ऑफलाइन सेव होता है, या अपने सीपीयू, लैपटॉप या मोबाइल के अंदर तक की बात करें तो सेव होता है, जहाँ पे जो डेटा सेव होता है वो किसके अंदर होता है, मेमोरी के अंदर सेव होता है। अगर अपने सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं कि जैसे अपने कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं, जैसे कोई भी सपोज करो वीवो का मोबाइल खरीदा है, उसमें अपने जाने के लिए वीवो 90 का मोबाइल खरीदेंगे तो उसमें क्या सबसे पहले उसको पूछेंगे कितने जीबी रैम है और इसकी हार्ड डिस्क क्या है, कितनी जीबी है, ये चीज़ अपने उसमें सबसे पहले बात करते हैं। यस, क्लियर है ना? ये चीज़ होती है उसकी की मेमोरी, यानी अपनी कैपेसिटी देखते हैं कि जो अपने उपकरण खरीद रहे हैं या जो भी डिवाइस ले रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी, यानी अपने लायक है या नहीं है। ये चीज़ इसके अंदर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, यानी कंप्यूटर के अंदर किस तरह से ये होती है। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं। यानी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है इसके अंदर प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी होती है यहाँ पे अपनी सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है? नंबर दो टाइप की मेमोरी होती है, नंबर एक प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी स्थाई और अस्थाई, जिसको मैंने अभी आपको बताया, यानी किसी भी डेटा को कोई स्थान स्थाई रूप में फिक्स कर सकते हैं या कि उसको अपने हटा भी सकते हैं और उसको वापस जोड़ भी सकते हैं, इसी तरह के डेटा को स्थाई अस्थाई कहते हैं। और जो फिक्स डाटा होता है, यानी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो फिक्स होता है, उसे अपने क्या कहते हैं, प्राइमरी यानी स्थाई मेमोरी कहते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहले अपने बात करेंगे नंबर एक इसकी प्राइमरी की बात करते हैं। तो प्राइमरी के अंदर अपने बात करते हैं क्या क्या, ये क्या है, एक इंटरनल मेमोरी है। इसका दूसरा नाम अगर बात करें इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। आई मीन्स इंटरनल का दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी है, और प्राइमरी का दूसरा नाम क्या है, इंटरनल। ये एक दूसरे के अपोजिट है, आप देख लेना। कि इंटरनल का मतलब ये है कि जो ये कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, फिक्स अंदर की तरफ होती है, जो फिक्स होती है इसको अपने निकाल नहीं सकते हैं। क्लियर है? इसी चीज़ को इससे में अपने क्या कहते हैं, इंटरनल नाम दिया हुआ है इसको। क्लियर है? और इसका जो नाम आएगा वो आएगा आपका एक्सटर्नल, जो मैं आपको आगे बता दूँ, एक्सटर्नल आएगा किस तरह से होता है। इंटरनल में ये आपका आ गया है। और अगर अपने इसके अंदर बात करें टाइप्स की, तो इसमें दो टाइप की मेमोरी होती है, जिसमें नंबर एक आ जाता है रैम, दूसरा आ जाता है रोम। अगर इसमें सबसे पहले अपने कहते हैं कि रैम की फुल फॉर्म की बात करें कौन सी होती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? दूसरी इसकी बात करें तो क्या आ जाता है, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर फ्रेंड? दोनों की मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे बताई है आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरी आ जाती है रीड ओनली मेमोरी। यानी जो
ओनली ओनली क्या करती है, डाटा को रीड करती है, उसे अपने के क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। और इसमें क्या है, डाटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इसलिए इसमें क्या कहा जाता है, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। तीसरी इसमें अगर अपने बात करते हैं तो इसमें एक आ जाती है कैश मेमोरी भी, जिसको बोलते हैं अपने, कैश मेमोरी भी इसका एक एग्जाम्पल है। क्लियर है, ये तीन टाइप की मेमोरी होती है प्राइमरी के अंदर। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी के अंदर रैम की बात करते हैं। रैम क्या होती है, रैम की अगर अपने बात करें, मैं बताने जा रहा हूँ आपको रैम के बारे में। तो रैम क्या होती है कि ये एक स्थायी मेमोरी होती है। रैम क्या होती है, ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। क्लियर है, अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है। क्लियर है फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आपको आगे वाले नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी वीडियो के अंदर डिसअपॉइंटिंग हुई है तो उसका आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। और इसमें डाटा को क्या करते हैं, डाटा कंप्यूटर, इसमें जो डाटा होता है, जो भी डाटा होता है इसके अंदर अपने जो सेव करते हैं या जो भी डाटा टाइप करते हैं, तो वो क्या होता है, कंप्यूटर बंद होने पर क्या हो जाता है, जब भी अपने क्या करते हैं अपना कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो सभी का सभी डाटा क्या हो जाता है, अपना डिलीट हो जाता है। यानी रैम के अंदर क्या है, ये एक स्थायी मेमोरी है और जो इसके अंदर डाटा होगा यानी अपना कंप्यूटर ऑफ होगा, जैसे कंप्यूटर ऑफ होगा तो उसमें जो डाटा होगा वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। और इसको पुनः प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं, यानी या दोबारा से अपने को नहीं मिल सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स, सिंपल इसी परिभाषा है कि रैम के अंदर, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और ये क्या होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। और अस्थायी मेमोरी में इसमें क्या होता है, जो भी डाटा अपने कंप्यूटर में टाइप करते हैं और उसको क्या करते हैं, जब तक कंप्यूटर अपना ऑन रहेगा तब तक अपने इसके अंदर सेव रहेगा, और जैसे अपना कंप्यूटर ऑफ होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो भी डाटा सेव अपना होगा वो सब का सब क्या, डिलीट हो जाएगा। और इसका अगर अपने दूसरा नाम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी दूसरा नाम इसका क्या है, रैम का वॉलेटाइल मेमोरी भी किसको कहा जाता है, रैम को कहा जाता है। यानी मेमोरी, रैम मेमोरी किस प्रकार की है, वॉलेटाइल मेमोरी, या फिर वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो रैम क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। क्लियर है फ्रेंड्स, ये थी अपनी इसके अंदर रैम के बारे में अगर बात करते हैं। तो दूसरा अगर अपना आ जाता है यहाँ पे रोम की बात करते हैं, तो रोम को क्या कहते हैं, रोम को मैंने बताया था आपको, फुल फॉर्म बता दी थी, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रोम को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी, रोम। यानी किस काम आता है, डाटा को ओनली क्या कर सकते हैं, वह रीड कर सकती है। यानी ओनली रीड करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, रोम करती है। और यह क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है। क्लियर है, कंप्यूटर के अंदर ये क्या होती है, एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है। और कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम एंड सेटिंग्स इसके थ्रू ही होती है। जो भी अगर अपने जैसे कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और जो स्टार्ट करने के बाद जिसमें जो कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं या फिर कोई जो भी डेटा होता है, इसकी जो सेटिंग करने का कार्य होता है, यानी इनकी जो भी सेटिंग करती है, यानी किस तरह से उनको चलाना है, किस तरह से उनको मैनेज करना है, वो सब का सब कार्य कौन करती है, रीड ओनली मेमोरी करती है, यानी रैम करती है। अगर रैम का कार्य की बात करें तो ये क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है। और कंप्यूटर में प्रोग्राम को, डाटा में क्या करना है, उनकी सेटिंग, प्रोग्राम को या डाटा उनको क्या करना होता है, उसकी सेटिंग करने का कार्य कौन करती है, ये रैम, रोम करती है। और रोम का अगर अपने टाइप की बात करें, रोम कितने टाइप की होती है, रोम तीन टाइप की होती है। रोम मेमोरी कौन कौन से, कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है। नंबर एक इसमें अगर बात करें तो इसमें आ जाता है पी रोम आता है, और दूसरा आता है इसके अंदर ए पी रोम आता है, इनकी फुल फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा, तीसरा आता है डबल ए पी रोम आता है। ये तीन प्रकार की इसके अंदर मेमोरी होती है, जिसमें से मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि पी रोम की फुल फॉर्म क्या है। तो पी रोम की होती है प्रोग्राम एबल रोम का वही आ जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, यानी यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ किसको
अपने जो डिवाइसेज होती है या जिसको बताती है वो किसको बताती है, प्रोग्रामेबल यानी सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम को हैंडल करने का जो भी कार्य करती है वो कौन सी मेमोरी को होती है, पी रोम करती है। पी रोम किसके अंदर आती है, रोम के अंदर आती है। रोम क्या है, एक स्थायी मेमोरी है, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा आता है इसके अंदर ए पी रोम। ए पी रोम का मतलब होता है यहाँ पे ई रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें क्या किया जाता है कि जो भी प्रोग्राम होता है उसको अगर अपने को कोई डिलीट करना हो या फिर उसको कोई कन्वर्सेशन करना हो या फिर उसको कोई डाटा चेंज करना हो तो वो जो भी जो काम होता है रेजेबल के थ्रू यानी प्रोग्राम का थ्रू, तो वो कौन सी मेमोरी करते हैं, ए पी रोम करते हैं। ये इनके किसके टाइप है, रोम के टाइप है। फ्रेंड्स ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपको उनको भी स्टडी करने में फ़ायदा हो उसके, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें आपको मेमोरी के शॉर्ट के अंदर बताया गया है जो कि इसके अंदर अपने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट है अपना डबल ए पी रोम, यानी ई ए पी रोम की बात करें तो इसमें क्या होता है, रेजेबल, सॉरी रेजेबल नहीं आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्लियर है। यानी जो भी इलेक्ट्रिकल का मतलब यहाँ पे होता है कि आप नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक यानी विद्युत प्रवाह के द्वारा उसको जो भी डाटा मिलता है या उसका कनेक्टिंग होता रहता है उसे अपने क्या कहते हैं, अरेजेबल, इलेक्ट्रिक अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी उसको कहा जाता है, क्लियर है फ्रेंड्स। ये थी इसके अंदर रोम के पार्ट, पहले बताए थे मैंने आपको रैम के अंदर रैम क्या होती है और दूसरा बताया था मैंने आपको रोम के अंदर। अगर रैम की अगर इससे मैं बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, रैम के दो पार्ट होते हैं जिसमें मैंने आपको बताना भूल गया था कि नंबर एक होता है इसके अंदर स्टैटिक रैम, जिसको अपने बोलते हैं शॉर्ट के अंदर बोल सकते हैं एस रैम बोल सकते हैं। दूसरा इसके अंदर होता है डी रैम, जिसको अपने बोलते हैं डायनेमिक रैम कहते हैं, क्लियर है। ये दो तरह के पार्ट होते हैं, किसके अंदर होते हैं, रैम के अंदर होते हैं। यानी रैम के अंदर दो तरह के पार्ट की बात करें कौन कौन से होते हैं, ये दो तरह के होते हैं यानी एस रैम और डी रैम, यानी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ये दो तरह के पार्ट किसके अंदर होते हैं, रैम के अंदर होते हैं, क्लियर है फ्रेंड्स। फटाफट नोट करना है, नोट कर लीजिएगा। हाँ जी क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए बंदे को हमेशा हंसमुख रहना चाहिए ताकि क्या है उसमें एनर्जी आती रहे ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो हमेशा क्या है हंसते खेलते रहिए और स्टडी को टाइम दीजिए ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर, ये सोच के रखें कि स्काई एजुकेशन ग्रुप से आप जुड़े हो तो इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये श्योर है। आप यहाँ से एक तरह प्रिपेयर होके जाओगे ताकि आप यहाँ पे एक ऑनलाइन स्टडी का ये ऐसा माध्यम है जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको इतने सारे वीडियो बताऊँगा, इतने सारे वीडियो बताऊँगा जैसे आप आसानी से कह सकते हो कि सर वाकई में आप बहुत अच्छा करा रहे हो, क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसमें अपने सेकेंडरी मेमोरी की। दूसरी मेमोरी कौन सी आ जाती है, मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा और एक बात ये और है कि आगे आने वाले समय में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि YouTube पे आपको फ्री में लाइव क्लासेस मिलेगी, बैंकिंग के थ्रू भी, जीके के थ्रू भी, और मैथ और रीजनिंग साइंस भी। मैं देख रहा हूँ कोई टीचर हो तो मिल जाए तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, अभी आपको YouTube पे वीडियो दे सकता हूँ। अगर आपके थ्रू कोई हो भी टीचर हो ऐसा जो जैसे कोई जीके का या फिर कोई रीजनिंग का या फिर कोई साइंस का जो YouTube पे वीडियो बनाने के लायक हो, तो उसके लिए आप मेरे नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 95212-96374 पर कांटेक्ट करके मेरे को बता सकते हैं कि सर हम इच्छुक हैं, तो उसको कुछ ना कुछ पे भी किया जाएगा और साथ में यूट्यूब के लिए वीडियो भी बनाया जाएगा, उसके लिए यूट्यूब वीडियो भी बना सकता है वो, क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बात करते हैं अपने सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी में क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था कौन सा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी बाहरी मेमोरी जिसको बोलते हैं हिंदी में बाहरी मेमोरी। बाहरी का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर अपने कोई बाहर से कंप्यूटर के अंदर अटैच कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बता दूँ कोई अटैच करने वाली मेमोरी, यह क्या होती है, अप्रत्यक्ष रूप से किस में जुड़ी होती है, प्रोसेसर में, यानी इनडायरेक्ट रूप से
इनडायरेक्ट रूप से ये किस में जुड़ी होती है, प्रोसेसर में लगी हुई होती है। यानी इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे आ जाता है कि जो भी अपने मेमोरी के यानी अपनी इच्छा अनुसार जो उसको हटा भी सकते हैं और उसको लगा भी सकते हैं, उसके लिए इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट रूप कहते हैं, इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें अगर जैसे दैट इज़ बात करते हैं अपने, तो कोई आ गया अपने HDD की अगर फुल फॉर्म की यहाँ पर बात करते हो तो क्या आ जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर है? HDD फुल फॉर्म में बात करते हैं क्या आ जाती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये HDD क्या है, इसको अपने अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर्स में ऐसे क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और उससे लगा भी सकते हैं। ये भी चीज़ क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है। क्लियर है? दूसरा अगर आ जाता है यहाँ पे CD या DVD, ठीक है, इसको भी लगा भी सकते हैं अपने, क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। फिर आ जाता है पेन ड्राइव, अपने पेन ड्राइव की बात करें। फिर आ जाता है अपना मेमोरी कार्ड, ठीक है, अगर कोई SD कार्ड जिसको बोलते हैं अपने, जो SD कार्ड भी हो गया, या कि और हो गया जैसे फ़ोन का स्टोरेज हो गया, या कोई फ्लोपी डिस्क आ गई, जो भी होती है इसके अंदर, सभी के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, इनको कंप्यूटर के अंदर लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, और अगर अपने हटाना चाहते हैं तो इनको हटा भी सकते हैं। क्या CD को क्या कर सकते हैं, अपने अपने को जो डाटा चाहिए अपने उसमें क्या कर सकते हैं, सेव करके उसको अपने बाहर निकाल के अपने उसको सेव रख सकते हैं हम। इसी तरह से पेन ड्राइव में अपने क्या कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक मोबाइल में भी लगा सकते हैं OTG के थ्रू, और दूसरे लैपटॉप में से तीसरे कंप्यूटर के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। क्लियर है? ये है सेकेंडरी मेमोरी का, इसके अंदर मैंने आपको फ्रेंड्स बताया है जिसके बारे में आपको सेकेंडरी मेमोरी क्या कौन कौन सी होती है, जिसमें अपने अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है और उसको अपने इच्छा अनुसार से हटा भी सकते हैं और उसको लगा भी सकते हैं, वो मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। क्लियर है? अब अपने लास्ट में चलते चलते हैं, बात कर लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट की, यानी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी यूनिट होती है, किस तरह से उसको यूनिट के प्रोसेसर में लाया जाता है या किस तरह से उसको उपयोग में लिया जाता है। जैसे मेमोरी यूनिट के बारे में बात बताऊँ तो जैसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं आपको यूनिट के बाद, देखो यूनिट आ गया है, जैसे मैं कोई मार्कर ले लेता हूँ, दूसरा अपने यहाँ पर डॉट ले लेते हैं, दूसरे इसका आ जाता है शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट नेम आ जाता है, और तीसरा अपने यहाँ पे आ जाती है उसकी KPCT आ जाती है, KPCT। क्लियर है? तो तीन नेम यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको देख लेना। तो जो यूनिट में बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा आता है इसमें, मेमोरी का छोटा से छोटा पार्ट कौन सा आता है, जो स्टोरेज आता है वो कौन सा आता है, बिट आता है, और इस बिट को क्या कहते हैं, बिट ही कहते हैं, और यह किस में यूज हुआ था, मशीनी लैंग्वेज के अंदर यूज हुआ था। क्लियर है? और इसके अंदर जो कैपेसिटी थी वो कौन सी थी, 0 और 1 की थी, और 0 और 1 कौन सी थी, अपनी बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है। इन बाइनरी लैंग्वेज वगैरह वीडियो है आपको YouTube पे आदेश सर का एजुकेशन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। दूसरा आ जाता है अगर अपने यहाँ पे बात करते हैं, जैसे अपना निबल आ जाता है, तो निबल की अगर अपने बात करें, शॉर्ट नेम को अपने क्या कहते हैं, निबल ही कहते हैं, ठीक है। और निबल के अगर अपने कैपेसिटी की बात करते हैं, तो ये क्या आ जाता है यहाँ पे, 4 बिट, यानी जब 4 बिट्स मिलते हैं तब क्या बनता है, निबल्स बनता है। क्लियर है? यानी और नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं, तो यहाँ पे अपना आ जाता है बाइट। बाइट के अगर अपने शॉर्टकट शॉर्ट नाम की बात करें, तो क्या इसको भी बाइट ही बोला जाता है, और इसके अगर अपने बात करें तो 8 बिट्स जिसको अपने बोल सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? ये लिखते रहना साथ साथ में, ताकि आपको आगे परेशानी ना होए। और इसके बाद आ जाता है अपना यहाँ पे किलोबाइट। किलोबाइट के अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं, तो इसका क्या आ जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको अपने बोलते हैं KB। जैसे अपने बोलते हैं ना, कितनी KB में अपनी जो PD बनी है या फाइल स्टोरेज हुई है, जो उसकी का नाम फुल फॉर्म में अगर बात करते हैं क्या है, किलोबाइट है, इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बाइट का बता दिया 8 बाइट, तो KB का होता है यहाँ पे, जैसे अगर अपने 1024 बाइट्स होंगे तो अपने जाके क्या बनेंगी, 1 KB बनेंगी। क्लियर है? यानी किलोबाइट का शॉर्ट फॉर्म नाम क्या होगा, KB होगा। जब 1024 बाइट्स बनेंगे तब क्या होगा, 1 KB बनेंगे, 1024 शब्द होंगे बिट्स बाइट्स के, तो 1 KB बनेगा। और आगे अगर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें आ जाता है मेगा बाइट, जिसको अपने शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MB, ठीक है। क्लियर है? और MB की अगर अपने बात करते हैं, तो इसमें आ जाता है अगर 1024 KB बनाते हैं तब जाके अपनी क्या बनती है, 1 MB बनती है।
यानी 1024 जब शब्द हो जाएंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने टाइप करते 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 टाइप करते रहेंगे, टाइप करते करते 1024 शब्द होते ही अपना जो फाइल होगी वो 1 MB के अंदर सेव हो जाएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं गीगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि दिखाई दे रहा होगा आपको, क्लियर है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म की अगर अपने बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, GB बोलते हैं। और इसमें अगर अपने बात करते हैं तो 1024 अगर MB होगी तब अपनी जाके 1 GB की फाइल बनेंगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगर अपने यहाँ पे बात करते हैं तो टेरा बाइट, और टेरा बाइट की अगर अपने यहाँ पे बात करें तो शॉर्ट फॉर्म की क्या बोलते हैं, जिसको TB बोलते हैं। TB की अगर अपने बात करते हैं यहाँ पे 1024 GB होगी तब जाके अपना यहाँ पे 1 TB बनेंगे, यानी 1 TB बनेंगे। क्लियर है। इसके बाद जेटा बाइट भी आती है। लगभग अपने आमकाज से जो दिनचर्या में यूज़ करते हैं, जिसका भी अपने जो भी यूज़ करते हैं मेमोरी के अंदर, वो इन तीन का लगभग ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी अपने MB के अंदर फाइल सेव होती है, GB के अंदर अपनी जो भी स्टोरेज पूछते हैं वो GB के अंदर पूछते हैं, जैसे मोबाइल खरीदना हो या कोई लैपटॉप हो गया या कोई भी ड्राइव डिवाइस खरीदते हैं तो, या फिर TB के अंदर पूछते हैं। यानी क्लियर है। जैसे अपने कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें अपने क्या बोलेंगे, कितनी GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, 500 GB की लगी हुई है, या उसमें बोल देते हैं अपने ने 1 TB की लगी हुई है। यानी 1 TB कब बनेगी, जब 1024 GB होगी तो 1 TB बनेगी। और इसमें क्या होता है, पूरा 500 का स्टोरेज नहीं आता, यानी 400 कुछ समथिंग आता है, यानी 96 या 494 का स्टोरेज इसके अंदर आता है। क्लियर है फ्रेंड्स। ये था आज का हमारा वीडियो जो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की अगर आपको जो भी नोट्स चाहिए या फिर कोई जो भी रिलेटेड यानी PDF चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर है 9952196374 पर संपर्क कर सकते हैं, जिस तरह से भी, और वहां से आप ले सकते हैं। और दूसरा हमारा स्काई एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको फ्री के अंदर PDF प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है। अगर आपकी पूरी की पूरी कंप्यूटर की बुक चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको वहाँ से हमारे को मैसेज कर सकते हो, और इस नंबर के थ्रू भी आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको कंप्यूटर के अच्छे शॉर्टली नोट्स उसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और शॉर्ट फॉर्म की अगर आपको बात की तो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है एक, तो उसमें आपको जो भी लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जितने भी शॉर्ट फॉर्म पूछे गए हैं वो सभी सभी वीडियो मैंने उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म मैंने उसके अंदर बताए गए हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।